राजस्थान का 71वां स्थापना दिवस आज है। 71 साल में पहली बार नहीं मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। कोरोना महामारी के कारण कोई कार्यक्रम नहीं होगा। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण हुआ था। 22 रियासतों के विलय के बाद एकीकृत हुआ राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 में। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। ब्रिटिश काल में राजस्थान राजपूताना नाम से जाना जाता था और ये पहली बार होगा जब किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा कोरोना महामारी के चलते। 22 रियासतों के विलय के बाद राजस्थान का निर्माण हुआ था। 71वां स्थापना दिवस राजस्थान का आज है और 71 साल में ये पहली बार होगा जब राजस्थान दिवस पर किसी कार्यक्रम का कोई आयोजन नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं रखा गया। A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, 71 साल में पहली बार ये होगा कि किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा राजस्थान दिवस के मौके पर। जी हाँ, ये अफसोस की बात तो बहुत है जी। जब से राजस्थान बना तब से हर साल राजस्थान ने अपने एक तरह से पुनर्गठन का गठन तो क्या कहें उसको पुनर्गठन ही कहें जी। राजस्थान बहुत सारी रियासतों वाला प्रदेश था और राजपूताना जिसको कहते थे, और मेवाड़ और मारवाड़ और जयपुर घराना, ये तीन बड़े घराने और थे। कोटा का घराना, हाड़ी रानी का इलाका चित्तौड़गढ़, ये सारे रियासतें थी। और अंग्रेज जाते जाते तय कर गए थे कि जो रियासतें इंडिपेंडेंट रहना चाहे इंडिपेंडेंट रहे, जो भारत में मिलना चाहे भारत में मिले, जो पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में जी। तो बहुत बड़ी चुनौती थी और राजस्थान में खास तौर पर क्योंकि अकबर से लड़ाई के समय से जयपुर और मेवाड़ घराना एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे, क्योंकि अकबर के सेनापति राजा मानसिंह जयपुर के राजा थे और अकबर से लड़ाई लड़ी थी महाराणा प्रताप ने। तो दोनों साथ कैसे आए, ये बहुत ही विकट समस्या थी जी। जयपुर के राजा को राजप्रमुख बनाया गया तो मेवाड़ के राजा बिलने को शामिल नहीं होने को तैयार नहीं हुए, तो फिर उनको महाराज प्रमुख बनाया गया जी। और वो ऐसे महाराज प्रमुख थे जो अपने प्रदेश की राजधानी में कभी नहीं आए, उदयपुर के महाराजा महाराणा। फिर भी दो जगहों का मामला उलझा रहा सबसे आखिर में जाके। एक माउंट आबू, माउंट आबू को सरदार पटेल गुजरात में शामिल करना चाहते थे जी। और गोकुल भाई भट्ट ने अनशन किया और उनके अनशन की बदौलत और वहां के लोगों के आंदोलन की बदौलत माउंट आबू सिरोही में शामिल होके और फिर राजस्थान में शामिल हुआ जी। और दूसरा समस्या थी अजमेर की, क्योंकि अजमेर का कोई राजा नहीं था पृथ्वीराज चौहान के बाद जी। तो जो अजमेर का राजा नहीं होने की वजह से पृथ्वीराज चौहान के बाद से ही दिल्ली का राजा या जो भी दिल्ली का अकबर था या जो भी शाहजहां थे या फिर अंग्रेज थे, तो अजमेर को सेंट्रली गवर्न स्टेट कहा जाता था जी। और अजमेर की अलग विधानसभा थी और अजमेर का अलग चीफ मिनिस्टर होता था और अजमेर के अलग मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल हुआ करता था जी। और पहले चुनाव में ऐसा हुआ कि अजमेर की विधानसभा अलग चुनाव हुआ, अलग चुनी गई 32 लोगों की विधानसभा जी। हरिभाऊ उपाध्याय उसमें मुख्यमंत्री बने, बालकृष्ण कौल, ज्वाला प्रसाद शर्मा मंत्री बने। तो अजमेर का विलय कैसे हो, इसके लिए फिर एक राव कमीशन बनाया गया और राव कमीशन ने अपनी सिफारिश की कि अजमेर का महत्व बरकरार रहे राजस्थान में विलय के बावजूद जी। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को दिया गया, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को दिया गया, आयुर्वेद का प्रदेश मुख्यालय अजमेर को दिया गया, स्टाम्प एंड ड्यूटी का प्रदेश मुख्यालय अजमेर को दिया गया। और उस वक्त ये भी तय हुआ था कि राज्यसभा में हमेशा अजमेर से एक न एक आदमी जरूर जाएगा राजस्थान से जी। लेकिन इसका फिर ये एक पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन वाली बात थी, बाद में इसका फॉलोअप नहीं हो पाया जी। तो अजमेर से कोई आदमी नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी ये माना जाना चाहिए कि अजमेर एक तरह से दूसरी राजधानी है राजस्थान की। वो इसी वजह से क्योंकि वो सेंट्रली गवर्न था, उसकी अलग स्टेट थी, अलग चीफ मिनिस्टर था, अलग विधानसभा थी। तो उसका विलय होने के बाद ही संपूर्ण राजस्थान बन पाया। पर 30 मार्च 1949 को जो राजस्थान बना उसमें अजमेर शामिल नहीं था, पर तब तक पूरा राजस्थान हो चुका था। राजपूताना के सारे स्टेट
छोटे छोटे राजा बहुत सारे भरतपुर के, धौलपुर के, सब ने मिलकर एक राज्य बनाया और उसका नाम हुआ राजस्थान जी। उसी के बनने का दिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं और ये पूरा राजस्थान भाषा की विविधता से भरा हुआ है, बोली की विविधता से बिल्कुल, इसलिए लेकिन बहुत ही मिठास है यहाँ की कल्चर में, गणगौर में, तीज त्योहार में, फीनी में, घेवर में। ऐसा दुनिया में शायद कोई प्रदेश नहीं है जहाँ इतनी विलक्षण चीजें एक साथ मौजूद है। बिल्कुल, तो इसलिए रंग रंगीलो राजस्थान जिसको कहा जाता है जी। जिसकी बोली में मिठास, जिसके गीतों में मिठास, जिसके तीज त्योहार में मिठास, जिसके व्यंजनों में, मिठाई में मिठास, और ऐसा कलरफुल राजस्थान शायद देश में दूसरा प्रदेश नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है जी। तो आज का दिन बहुत ही कलरफुल राजस्थान के लिए एक सौभाग्य का, खुशी का दिन है, लेकिन इस बात का भी दिन है कि आज हम इस अवसर को मना नहीं पा रहे और देश हित में, मानवता के हित में जो हमने लॉकडाउन किया हुआ है उसकी वजह से हम इसे मना नहीं पा रहे जी। लेकिन ये बहुत छोटी बात है ऐसा दिन मनाना, इससे बड़ी बात दुनिया में ही हो रही है, इसलिए इसको हमको इस अफसोस को नहीं मनाना चाहिए और फिर किसी दिन हम राजस्थान दिवस मनाएंगे जी। फिर किसी दिन हम बिल्कुल बात को करेंगे, लेकिन फिलहाल राजस्थान दिवस पर एकजुट होकर प्रण ले कि हम लॉकडाउन को सफल बनाएंगे, कोरोना को हराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शूरवीरता के अद्भुत किस्से इतिहास में है, ये वीरता दूसरी तरह की है, ये आत्मसंयम की, आत्म अनुशासन की और एक समझबूझ दिखाने का अवसर है जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे डॉक्टर, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारी पुलिस, हमारा मीडिया इन परिस्थितियों में लड़ने में कोरोना वॉरियर साबित होंगे और जो लोग घर बैठे हैं वो अपने संयम और आत्म अनुशासन से उन सबकी मदद करेंगे जो कोरोना को दुनिया से, राजस्थान से और देश से भगाने में लगे हुए हैं जी। अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि 71 साल में पहली बार ऐसा होगा जब राजस्थान दिवस नहीं मनाया जाएगा, लेकिन हम सबको बहुत जरूरत है ये समझने की कि इस बार हम अपने घर में रहकर अपने अनुशासन का परिचय दें।